Greetings to all. We are here again with a new bulletin on Olympics. Greetings to all. I am Yuvraj, a proud young soldier. And I am Mehramat. Mehramat, do you know that Olympic Games are held every 4 years? You are right, but the Olympics were to be held in 2020, but it is having in 2021. Yes, you are right, but still it will be called as Olympics 2020. Many historical wins have been observed these days. And we are proud of them. It is after 41 years the Indian hockey team has won the quarter finals with a lead of 3-1. This is awesome. The women hockey has also won the quarter finals with the lead of 1-0. Pavan Mirza and Kamal Prekar, we are proud of you. Keep rocking. Now I would like to invite Mr. Shiv Kumar Taekwondo, Asian Games athlete, Maharaja Ranjit Singh Award, Punjab Police coach. नमस्कार, मैं शिव कुमार, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं कोच ताइक्वांडो। मुझे जानकर बहुत ही खुशी हुई कि जेम्स पब्लिक स्कूल, जो कि इनिशिएटिव्स ले रहा है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, और खैर फिलहाल में ही उन्होंने अपने स्कूल के विद्यार्थियों को खेल के प्रति जागरूक करते हुए ओलंपिक बुलेटिन का आयोजन किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिसमें उन्होंने कोशिश करी कि हर बच्चे को किसी न किसी खेल के बारे में जागरूक किया जाए। आप सभी जानते हैं कि जैसे हमारा ओलंपिक्स इस वक्त चल रहा है और 2020 ओलंपिक्स में भारत के तकरीबन 127 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, और जिनमें तकरीबन 12 से 15 कोचेस भी हैं। एक ताइक्वांडो एथलीट होने के नाते मेरी यही कामना है कि आप सभी बच्चों को किसी न किसी गेम में अपना करियर ज़रूर बनाएं। आप सबकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगा कि पटियाला में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स सेंटर है, जिसको NSNIS कहते हैं, जहाँ पर एडमिशन लेकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी को आपके आने वाले भविष्य के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ, और मैं जेम्स पब्लिक स्कूल को दोबारा से बधाई देना चाहूँगा उनके इस इनिशिएटिव के लिए। धन्यवाद।